हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेट। हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय। हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 1.6। 1.6 में कौन सा फॉर्मूला है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इस फॉर्मूले को याद करोगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.6 हो जाएगी। तो मैं फॉर्मूला एक बार आपको वापस बता देता हूँ। फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस इस एक फॉर्मूले को याद करना है और आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो इस वीडियो में अपन इसी फॉर्मूले के बेस पे 3 क्वेश्चन है जो देखते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें लिखा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। इसमें यूं बता रखा है कि ए ग्रुप है जिसमें 70 टोटल पीपल है। फिर बता रखा है कि उसमें 37 ऐसे पीपल है जो कॉफी को पसंद करते हैं। फिर आगे लिखा है कि 52 ऐसे पर्सन है जो किसको पसंद करते हैं, टी को पसंद करते हैं। अब आपको आगे ये पूछा गया कि ऐसे दो ड्रिंक में से ऐसे कितने पीपल है जो दोनों में से एक को पसंद करने वाले हो, ऐसे पीपल कितने हैं वो आपको बताना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आया, इसका मतलब आपको यहाँ किसका साइन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का फाइंड करना है, यानी कि CUT, यानी कि सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन टी आपको यहाँ फाइंड करना है। अब हम पहले इस क्वेश्चन से सारी वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले टोटल आपको बता रखा है 70, तो कॉफी और टी, तो कॉफी को अपन लिखेंगे सी और टी को लिखेंगे टी, ठीक है? तो दोनों का टोटल बता रखा है, दोनों का यूनियन आपके हो जाएगा 70। तो एन सी यूनियन टी जो होगा वो आ जाएगा 70। फिर कॉफी को पसंद करने वाले यानी कि एन सी, उसकी वैल्यू आपको देखेंगे 37, तो एन सी इक्वल 37 लिखेंगे। फिर टी को पसंद करने वाले एन टी को 52 लिखेंगे। और दोनों में से कैसे कितने हैं जो पसंद करते हैं बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन वाला कॉमन वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, वो आपका एन इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। अब आपको यहाँ फॉर्मूला मैंने भी बताया, वो फॉर्मूला लगाएंगे, इधर यूनियन वाला होगा, इधर इंटरसेक्शन वाला होगा, और यहाँ दो सेक्शन दो सेट होंगे, ठीक है? यहाँ दो सेट कौन से हैं, एक कॉपी वाला सेट है और एक टी वाला सेट है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू 70 बता रही है, इसी में 70 पुट करेंगे, 37 इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये फाइंड करना है इसको ऐसा कैसे लिखेंगे। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 89 आएगा। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो 89 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो 90 ऐसे पर्सन है जो बोथ और कॉफी को पसंद करते हैं, ठीक है? यानी कि ये कॉमन पार्ट आ रहा है जो किसको पसंद करता है, टी को भी पसंद करता है और कॉफी को भी पसंद करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसा कैसे क्वेश्चन आगे करेंगे 7। इसमें लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ए ग्रुप में टोटल कितने पर्सन है 65 है। फिर लिखा है 40 लाइक क्रिकेट, और 40 पर्सन ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 लाइक बॉथ क्रिकेट, और 10 ऐसा है जो टेनिस को भी और क्रिकेट को दोनों को पसंद करते हैं। फिर लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने पर्सन हैं जो आपको जो कम से कम चाहिए, टेनिस को तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, ये ऐसे आपको फाइंड करना है। फिर आगे पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, और टेनिस को पसंद करने वाले ऐसे कितने पर्सन है वो आपको बताना है। अब आप देख सकते हैं टोटल बता रखा है वो ये हो जाएगा, ये यूनियन वाला हो जाएगा, और क्रिकेट को हम सी लिखेंगे, फिर टेनिस को टी लिखेंगे, तो सी और टी से दो सेट बन जाएंगे। इसी तरह हम फॉर्मूले में लिख के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू में दोनों का कॉम्बिनेशन बता रखा है 65, तो एन सी यू टी यानी सी यूनियन टी क्या हो जाएगा 65, और ये क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 40, तो अपन लिखेंगे एन सी इक्वल 40। फिर दोनों में से पसंद करने वाले को आपको 10 दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 लिखेंगे। अब हम ये
आप ध्यान से देखें, समझें और उसका होमवर्क करें, तो आपको ये सारा पूरा चैप्टर